हरियाणा के सीआईए स्टाफ यानी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गौर रक्षक मोनू मानेसर को आज गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया। अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोप है। तो हरियाणा पुलिस ने मोनू को उसके गांव में बाजार जाते समय पकड़ा और इससे पहले हरियाणा पुलिस की टीमें दो गाड़ियों में यहां पहुंची। मोनू इस हत्याकांड के बाद 8 महीने से फरार चल रहा था। आपको बता दें 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में दो जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि ये लाशें राजस्थान के गोपालगढ़ के जुनेद और नासिक की थी। हरियाणा के कई गौ रक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा और इसमें सबसे चर्चित नाम था मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का। और इसके खिलाफ हरियाणा में फरवरी 2023 के एक केस में भी मामला दर्ज है और ऐसे में मोनू के खिलाफ जांच जारी है। वहीं मोनू मानेसर को 26 सितंबर तक 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई और राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जिसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का भी ये मानना था कि मोनू मानेसर के पास बहुत से ऐसे आपराधिक राज हैं जो आने वाले समय में इसका मोनू मानेसर खुलासा कर सकता है। लगातार पुलिस लंबे समय से इसके तलाश में थी और हरियाणा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है। मोनू मानेसर देखिए जो नुह में जो दंगा भड़का था उसमें भी मोनू मानेसर का हाथ बताया जा रहा था और पुलिस के पास बहुत से ऐसे साक्ष्य थे, हालांकि पुलिस खुलासा इसका नहीं कर रही थी। और पहले भी तमाम मामलों में वह कहा जा सकता है कि उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा पुलिस के लिए कहा जा सकता है कि उपलब्धि है और आज जो है मोनू मानेसर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कई आरोप इस पर लगे थे, हालांकि अब पूछताछ जो पुलिस के द्वारा है वो आगे की जाएगी, लेकिन फिलहाल न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर है। मेवात के अंदर जो घटना घटी थी वो 31/8/2023 की घटी थी, उसके संबंध में इस मुकदमे में उसको अरेस्ट नहीं किया गया। 26/8 को जो इसने स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि हम परिणाम देख लेंगे, लेकिन ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। पुलिस ने जो दर्ज किया है वो गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है, जिसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 153 ए 295 400 506 और 504 प्रचीसूण आरम सेक्ट में दर्ज किया गया है और काफ़ी डिले मुकदमा दर्ज किया गया है। और हम जो है इसका जो है जेसी के लिए भेज दिया है इसको, आज 26/9/2023 को इसको दोबारा पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो आपकी तरफ से क्या मांग है? हमारी तरफ से ये कि भाई जो पुलिस ने डीजीपी राजस्थान ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हमने जुनैद वाले केस में इसको निर्दोष साबित कर दिया, उसके बावजूद भी जो है राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण जो इसको इस मुकदमे में लपेटा गया है और गलत दर्ज किया है, इसकी जो है अब आगे कार्रवाई करेंगे जैसे कानून के तहत जो बनता है और इसकी बेल लगाएंगे।